यहाँ पर मंडप गणेश पूजा का बन रहा है और ये सब देखकर समझ में आ रहा है कि हॉलीवुड का जो अवतार मूवी था उसी के ऊपर कुछ ये थीम सारे को दिखाया जाएगा रोड पे, कुछ हो सकते हैं गाजे बाजे के साथ अच्छे से निकाला जाए। इसका जो थीम है जो आप लोग पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, बैंडल में लहड़ी बाबा का आश्रम स्थित है, तो देखकर कमेंट करें क्या थीम बना है नहीं बना है, बाकी के वीडियो के अंत में पता लगेगा। तो चलिए किस तरह से क्या प्रिपरेशन हो रहा है, यहाँ के जो कारीगर है ये लोग नहीं होते तो शायद ये मंडप नहीं बनता। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों 2023 गणपति बप्पा का जो उत्सव नॉर्थ 24 परगना के छोटे से सिटी कांकीनाड़ा में जो बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा जाता है, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार कांकीनाड़ा में गणेश उत्सव 2023 का आगाज कितना बेहतरीन रहने वाला है और किस तरीके से मनाया जाएगा, मंडप कितने भव्य तरीके से बन रहा है और गणपति बप्पा का जो मूर्ति है वो कितना हाइट हम लोग बोल सकते हैं लंबा ऊंचा या फिर भव्य दिखाया जाएगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ जो जगह आप लोग देख रहे हैं कांकीनाड़ा ओवरब्रिज, ठीक बगल में स्टेशन है जो आप लोग अभी स्टेशन देख पा रहे हैं, ठीक स्टेशन के ओवरब्रिज पर मैं खड़ा हूँ और इसी ओवरब्रिज के पीछे जो ओवरब्रिज नीचे उतर रहा है ठीक इसी को पकड़ते हुए हम लोग कांकीनाड़ा सिटी के अंदर प्रवेश करेंगे और कांकीनाड़ा सिटी को फुल विजिट करेंगे, हर एक गली हर एक मोहल्ला को विजिट करेंगे और गणेश पूजा उत्सव का प्रिपरेशन कितना दूर तक पहुंचा है वो दिखाऊंगा। इसके अलावा और हम लोगों के हाथ में मात्र अगर बोले तो 5 दिन रह गया है, 19 सितंबर को आप लोगों का गणपति बप्पा का पहला पूजा है यानी कि पहला दिन है पूजा का और इस बार कांकीनाड़ा सिटी में एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है प्रशासन के तरफ से और विशिष्ट जो समाज सेवा है इन लोगों के तरफ से एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। पूजा 5 दिन रहता है लेकिन इस बार 6 दिन रहेगा। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधे हम लोग इस रास्ते को पकड़ते हुए उतरते हैं कांकीनाड़ा सिटी में और पूरा गली मोहल्ले को विजिट करते हैं, कहाँ क्या मंडप बन रहा है आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो कांकीनाड़ा गणेश उत्सव 2023 पहला पूजा मंडप हम लोग विजिट करने आ पहुँचे हैं। पूजा मंडप जो ऑर्गेनाइज करवा रही है बना रही है उसका नाम है एकता संघो क्लब। ये कांकीनाड़ा 6 नंबर साइटिंग जिसको बोला जाता है जगह का नाम है, 6 नंबर साइटिंग बोलिएगा सीधे लोग आप लोगों को एड्रेस दिखा देंगे। तो अभी जो यहाँ पर मंडप गणेश पूजा का बन रहा है और ये सब देख कर समझ में आ रहा है कि हॉलीवुड का जो अवतार मूवी था उसी के ऊपर कुछ ये थीम बन रहा है। अब ये पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, हम लोग यहाँ के क्लब के मेंबर के साथ जुड़ेंगे, जुड़कर बातचीत करेंगे क्या बन रहा है नहीं बन रहा है वो लोग डिटेल्स में बताएंगे और ओपनिंग कब होगा, साथ ही साथ गणेश पूजा इस बार एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है 6 दिन, ये लोग कैसे इंजॉय करेंगे 6 दिन, कैसे गणपति बप्पा का पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा, सारा चीज़ हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अभी जो मेरे साथ खड़े हैं इन्हीं एक बांग्ला लैंग्वेज खूब भालोबासेन, तो इन्हीं হচ্ছেন মেন এখানকার কারিগর, মানে এই যে মণ্ডপটা যে এখানে খুব ভালো করে তুলে ধরছেন সেটা ইনিই তুলে ধরছেন। তো এনার মুখ থেকে খুব ভালোভাবে আমরা জেনে নেব কি হচ্ছে না হচ্ছে, ইনি খুব ভালোভাবে বলতে পারবেন। তো আগে স্যারের নামটা জিজ্ঞেস করব। আমার নাম অমিত মণ্ডল। তো আপনি এখানকার এই মণ্ডপটা খুব ভালো করে তৈরি করছেন, তো এই কি হচ্ছে না হচ্ছে দর্শককে খুব ভালোভাবে একটু বুঝিয়ে দিন। এই থিমটা হচ্ছে অফটার 2, আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে অফটার 2 এর সব মূর্তিগুলো এখনও রেডি হচ্ছে, এখনও মোটামুটি 2-3 দিন সময় লেগে যাবে, আর আপনারা সবাই আসবেন দেখতে, আশা করি সবার খুব ভালো লাগবে এই থিমটা দেখে, খুব খুশি হবেন, ব্যাস এটাই। আর আপনি এই লাইনে মানে এই যে ভালো ভালো মণ্ডপ আপনি তৈরি করছেন, মানে ছোট থেকে মানে কবে মাথার মধ্যে আসলো কি আমি এই জিনিসটা তৈরি করতে পারবো বা মানুষকে দেখাতে পারবো অ্যাজ আ বিজনেস ক্যারিয়ার, এটাকে যে চুজ করেছেন কত বছর বয়স ধরে? আমি ছোটবেলা থেকে এই লাইনটাকে খুব ভালোবাসি, ছোটবেলা থেকে ছোট ছোট মাটির মূর্তি বলো বা পেন্টিং বলো এটাকে নিয়েই চলতে চলতে এখানে আজকে এখানে এসেছি। আর এই যে থিমগুলো, মানে আপনার বাড়িটা কোথায় আগে বলেন?
আমার বাড়ি শ্যামনগর মিত্র বাগান। শ্যামনগর আপনি কি লোকালে কাজ করেন না বাইরেও অনেক মানুষকে অনেক ফেস্টিভ্যালে দেখেন? অনেক, এই তো কিছুদিন আগে ইউপি থেকে কাজ করে আসলাম, আমার কেদারনাথ বানিয়েছিলাম ইউপিতে, ওখানে প্রচুর নাম হয়েছে আমার, মানে পাবলিক খুব ভালো বলেছে কেদারনাথ থেকে। তো এই যে এখানে যে মণ্ডপটা করা হচ্ছে এটা কতদিন ধরে করছেন, মানে কমপ্লিট করার জন্য কত দিন লাগবে, টাইম লাগবে, আর কত এখানে কারিগর আপনার সাথে মানে হেল্প করছে করার জন্য? মোটামুটি তো দু মাস থেকে কাজটা চলছেই, আর মোটামুটি সবসময় লেগে আছে, 10-12 জন তো এনি টাইম লেগেই আছে। তো সামনে দুর্গাপূজা রয়েছে, কালী পূজা রয়েছে, ওর মধ্যে কি কোনো জায়গায় আপনার কোনো থিম হচ্ছে? হ্যাঁ, আমার থিম হচ্ছে একটা আদিবাসী দিনে হচ্ছে শ্যামনগরে প্রভাতী সংঘ মাঠে, আর এটাই। তো চলুন, যিনি মণ্ডপটা তুলে ধরছেন তার সাথে কথা বললাম, বেশ ভালো লাগলো। এবার এখানকার যে ক্লাবের মেম্বার আছে তাদের সাথে একটু কথা বলি। তো চলিয়ে হাম লোক ফির আপনে অরিজিনাল ট্র্যাক পে চালাতে হ্যাঁ, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ পে। তো জো ভাইয়া মেরে সাথ খড়ে হ্যাঁ, ক্লাব কে সদস্য হ্যাঁ, আব ইনকে মুজবানি হাম লোক ফার্স্ট কোয়েশ্চন সুনেঙ্গে কি ইয়ে জো পূজা গণেশ উৎসব ইয়াহাঁ পর অর্গানাইজ কিয়া যা রা হ্যায়, কিতনে সাল সে আপ লোক কর রহে হ্যায়? লগভগ হাম লোক কা 20 সাল হো গিয়া হ্যায়, ইয়ে 20বা সাল হ্যায় पूजा एकता संघ क्लब के तरफ से। आप सभी दर्शनार्थियों का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आए हमारे पूजा मंडप को देखें। अब अवतार 2 मूवी जो हॉलीवुड मूवी यहाँ पे उसको दर्शाया गया है, और हम सभी को आमंत्रित करते हैं जितने भी दर्शनार्थी है कि आके यहाँ पे देखें। हम 6 नंबर रेलवे साइटिंग पे यहाँ पे पूजा का आनंद उठाए। तो दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग का ओपनिंग कब हो रहा है? 18 तारीख। तो इस बार तो प्रशासन के तरफ से एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? अपने आप में तो एक खुशी का माहौल है। वो तो है ही, हम प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, साथ ही यहाँ की जितने भी हमारे मतलब लोग हैं आसपास के जो भी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये बात तो सही है, लोग 365 दिन यानी कि एक साल वेट करते हैं हर एक फेस्टिवल को लेकर, और जब एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है फेस्टिवल का मतलब इस्तेमाल बोले या यूज़ बोले या फिर उसको इंजॉय करने के लिए, तो बहुत खुशी होता है। तो अब जो 6 दिन आप लोग इंजॉय करिएगा, किस तरीके से, क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम फंक्शन वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट जो हम लोग का पहले से शेड्यूल बना हुआ है, जैसे 18 तारीख को ओपनिंग होगा, सारे मंडप में सभी दर्शनार्थी लोग आएंगे पूजा देखने के लिए, सबको संभालना है, भीड़ देखना है बस, और 24 तारीख को विसर्जन है, प्रोसेशन गाजे बाजे के साथ हम लोग विसर्जन कर देंगे। जितना लोगों को इंतजार रहता है गणेश उत्सव का, उससे भी बढ़ चढ़ कर इंतजार रहता है विसर्जन का, क्योंकि कांकीनाड़ा का जो विसर्जन होता है वो अपने आप में कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का विसर्जन होता है। हर एक मंडप वाले कुछ नए नए तरीके से विसर्जन करते हैं और अपने आप में कुछ अच्छा शोभा यात्रा को दर्शाते हैं लोगों को। तो आप लोग यहाँ पर जो ये पूजा हो रहा है इसका जो विसर्जन होगा, कोई स्पेशल प्रोग्राम विसर्जन का? बस अच्छे अच्छे थीम हम लोग प्रोसेशन के साथ, जो भी अवतार का थीम है, हम सारे को दिखाया जाएगा रोड पे, कुछ हो सकते गाजे बाजे के साथ अच्छे से निकाला जाए, बस अच्छे से निकाला जाए। तो चलिए, क्लब के मेंबर लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और सारे मेंबर को एक ग्रेट सल्यूट है मेरे तरफ से, और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर एक सल्यूट एकता संघों को दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा भव्य थीम जो ये लोग दर्शा रहे हैं, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग इस चीज़ को देखकर बहुत कुछ इनको जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा। और बाकी के वीडियो के अंत में चलते हैं, अब कैसे क्या काम हो रहा है, मंडप कैसे बन रहा है अंदर में, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर कांकीनाड़ा के नेक्स्ट कोई और पूजा मंडप की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को वहाँ का थीम देखने मिलेगा।
अरे तुम्हाला सनबर्न आवडतं पण आम्हाला आमच्या बापाचं आगमन आवडतं. दस नंबर गली, इस नाम से यह जगह फेमस है. और ये जो पूजा करा रही है, इस क्लब का नाम है आदर्श नवयुवक संघ. किस तरह से क्या प्रिपरेशन हो रहा है, यहाँ के जो कारीगर हैं ये लोग नहीं होते तो शायद ये मंडप नहीं बनता और गणेश उत्सव का इतना भव्य तरीके से उत्सव मनाया नहीं जा सकता. तो इन लोगों से बात करेंगे कैसे क्या बना रहे हैं, साथ ही साथ क्लब के मेम्बर से भी बात करेंगे कितना साल का ये पूजा है और इनका क्या पूजा का प्लानिंग है, पूरा छः दिन कैसे क्या चलेगा, सब चीज़ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे. तो वीडियो के अंत तक बने रहिए. तो हमारा सरासरी जुड़े गेछी मंडप जरा तैरी करछे, जरा मंडप सज्जा खूब भालो करे प्रदर्शनी करावे. तो एबार प्रथम दादार नामटा आगे जिज्ञेस करे लाभ. आमार नाम सुमन चंद्र. तो सुमन दार थेके प्रथम क्वेश्चन रयेछे, बाड़ीटा कोथाय आपनी? आमार बाड़ी सामनगर नतुन ग्राम. अच्छा, तो एई जे प्रोफेशनल माने बिजनेस करियर, कत बछर बयस धरे तोमरा एई काजगुलो करछो? মোটামুটি বিগত আমার মানে আমার বাবার ব্যবসা, বাবার মোটামুটি বাবা তো 15-16 বছর উপরেই হয়ে গেছে, আমি মোটামুটি এই লাইনে রয়েছি মোটামুটি 7-8 বছর হয়ে গেছে. 7-8 বছর. দাদার নামটা বলো. সম্রাট. সম্রাট রায়, বাড়ি শ্যামনগর. আর এই কাজগুলো কত বছর ধরে? কাজ বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে প্রায় 18-19-20 বছর ধরে আছে. মানে পুরো ইয়াং থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অ্যাট দ্য এন্ড পর্যন্ত পুরো একদম করে যাচ্ছে. তো খুব ভালো লাগলো. এবার এইখানে যে থিমটা হচ্ছে কি তৈরি হচ্ছে? এটা এক প্রকৃত হচ্ছে কেদারনাথ, কেদারনাথে পাহাড়. পাহাড়. আচ্ছা, কতদিন ধরে এই কাজগুলো চলছে? প্রায় মাসখানেক চলছে. মাসখানেক.
এবার আর কদিনের মধ্যে কমপ্লিট হবে? পূজো তো চলে এসেছে, আশা করছি 15 তারিখের মধ্যে ছেড়ে দেব, পুরো একদম ছেড়ে দেব, হ্যান্ডওভার করে দেব। এখানে কত কারিগর, মানে কত আপনাদের সাথে লোক জুড়ে রয়েছে? আমরা এখনো প্রায় 12-15 জন কাজ করছি। ফুল ডে নাইট ফুলই কাজ হচ্ছে? ডে নাইট পুরো কাজ হচ্ছে। তো ওয়েস্ট বেঙ্গল বা শ্যামনগর লোকাল যেরকম এরিয়া, এই জায়গা জুড়েই কাজগুলো করছো নাকি বাইরে বাইরেই? বাইরেও আছে, বাইরে বাইরে কলকাতা আছে, বারাসাত আছে, বারাসাত আছে। সামনে দুর্গা পুজো, কালী পুজো, আরও অন্য জায়গায় তোমাদের এই হাতের কাজ কোথাও হচ্ছে? দুর্গা পুজো আছে আমাদের, কালী পুজো আছে, বারাসাতে আছে, বাইরে বাইরে হচ্ছে কাজ ধরা আছে। তো চলো, খুব ভালো লাগলো কথা বলে। এবার দুর্গা পুজো কালী পুজোতেও দাদার হাতের প্যান্ডেলগুলো দেখতে পারবো আমরা। এবার আমরা সরাসরি জুড়ে যাব, যারা এখানকার ক্লাবের মেম্বার রয়েছে তাদের সাথে একটু কথা বলি। তাহলে দেখি আন্দোলন। তো হামলোগ আব সিধে সিধে জুড় চুকে হ্যাঁ ক্লাব কে মেম্বার কে সাথ। তো সবসে পহলে হামলোগ ভাইয়া কা নাম পতা করেঙ্গে, সন্দীপ সিং। সন্দীপ সিং, তো ভাইয়া সে পহলা কোশ্চেন ইহি রহেগা, ইয়ে জো গণেশ পূজা কাঙ্কিনাড়া সিটি মে আয়োজিত কিয়া জা রহা হ্যায়, কিতনা সাল সে আপ লোগ কর রহে হ্যায়? দেখি হাম লোগ কা বহুত পুরানা পূজা হ্যায়, 30-35 সাল সে হাম লোগ পূজা কর রহে হ্যায়। হামারে সিনিয়র ভি ইস ক্লাব কে সাথ জুড়ে হুয়ে থে, উনহি লোগ কা দেন হ্যায় কি আজ হাম লোগ ইতনা বড়া পূজা কর পা রহে হ্যায়। কিতনা সাল কা পূজা হুয়া ইয়ে? 35 সাল হো গিয়া। 35 সাল হো গিয়া। কোই স্পেশাল প্রোগ্রাম পুরা পূজা জো 6 দিন রহেগা? পুরা পূজা মে স্পেশাল প্রোগ্রাম ইয়ে কি হাম লোগ বদ্রীনাথ কো ইয়াহা দর্শানে কা কোশিশ কর রহে হ্যায়। হামারা জো শান্তিদা ডেকোরেটর হ্যায় উনকে থ্রু ইয়াহা পাহাড় কে উপর মন্দির বন রহা হ্যায়, ভব্য মন্দির বদ্রীনাথ কা। হাম লোগ দর্শক সে ইয়ে উম্মীদ করেঙ্গে কি ও আয়ে হামারে পূজা কো এনজয় করে। তো জো বদ্রীনাথ ইহা পর থিম দর্শায়া যা রহা হ্যায়, তো ইহা পর আকর আপ লোগ দর্শন কর সকতে হ্যায়। আর বাকি আপ লোগ কা ওপেনিং কব হ্যায়? ওপেনিং 19 তারিখ কো। 19 তারিখ কো। আর বিসর্জন কা কোই স্পেশাল প্রোগ্রাম? বিসর্জন কা হাম লোগ কা এসা কুছ প্রোগ্রাম নেই রাতা, হাম লোগ একদম সিম্পল বিসর্জন করতে হ্যায়, প্রসেশন হাম লোগ কা নিকলতা নেই হ্যায়, বাস বাস স্পেশাল জো ভি হো রহা হ্যায়। হ্যাঁ, তো জিস দিন ওপেনিং হোগা উস দিন কিতনা কিয়া টাইমিং কিয়া ওপেনিং কা? ওপেনিং কা টাইমিং শাম কো 6:30 to 7 কে বিচ হামারে পূর্ব প্রশাসক মিস্টার গোপাল রাউত জি জো হ্যায় উনকে হাথো ইয়াহা ওপেনিং হোনা হ্যায়, ওয়াহি আয়েঙ্গে হামারে পূজা মন্ডপ কা ওপেনিং করেঙ্গে। শাম কো 6:30 to 7 কা টাইম হ্যায় ওপেনিং কা। और लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा इनसे कि जो भी दर्शनार्थी है, छोटे छोटे बच्चे लोगों का विशेष करके ये त्यौहार है, तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, त्यौहार बूढ़ा बच्चा जवान सभी का है, सभी से हम यही उम्मीद करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि सब अच्छे तरीके से पूजा फेस्टिवल को इंजॉय करें। और सबके सेफ्टी का यहाँ पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है, किसी तरह का कोई घटना ना घटे इसके लिए हमारे सारे मेंबर एक्टिव रहेंगे यहाँ। बाद बाकी यही प्रार्थना करते हैं कि पूजा अच्छे से बीते। तो चलिए, क्लब के सभी मेंबरों को एक ग्रेट सल्यूट है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ग्रेट सल्यूट जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो इतना अच्छा भव्य जो यहाँ पर बनाया जा रहा है मंडप वो देखने नहीं मिलता। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे कांकीनाड़ा सिटी को, नेक्स्ट पूजा मंडप को विजिट करेंगे और देखते हैं वहाँ क्या बन रहा है। ये दोस्तों पार्ट 1 वीडियो था और आप लोगों के साथ मेरा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अभी 19 सितंबर से जो गणेश पूजा कांकीनाड़ा सिटी में शुरू होने वाला है, जिसका महाआगाज अभी हो चुका है। तो चलिए, पार्ट 2 वीडियो में सीधे मिलेंगे। अब गणपति बप्पा का पहला दिन पूजा का एकदम नाइट का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाना मत भूलिएगा और गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आने वाले हर एक पूजा मंडप थीम को देखने के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पूजा मंडप के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।